काला क्या मारना ये हम किसका परीक्षा हम किस स्लाइड बनाएंगे आज स्टेमन की या पोलन ग्रेन की ठीक है अब ये आपका पोलन ग्रेन है जो ये कहाँ पे चिपकता है स्टिग्मा पे लेकिन इसमें ये पोलन ग्रेन अभी स्टिग्मा पे नहीं गया है ठीक है कुछ टाइम बाद ये यहाँ से झड़ के कहाँ पे चला जाएगा स्टिग्मा पे ठीक है अब इसकी स्लाइड तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से इसको बताएंगे ये पोलन ग्रेन हो गई ये देखो इसमें लगे भी हैं ये दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन ये पीले पीले कलर के ये देखो लगे इसको हम इसका रख लेते हैं वो सही नहीं है आपको माउंट करने के लिए इसमें क्या डालेंगे ये क्या है आपका सेफ्रिन ठीक है जो इसको क्या कर देता है कलरफुल कर देता है और माउंट करने में इसको आसानी होती है ठीक है इसमें हम कुछ ड्रॉप डालेंगे सेफ्रिन की ये देखो ऑफ स्टिग्मा जो है पहले से ज्यादा कलरफुल हो गया कवर स्लिप ये चीजें तब ज्यादा क्लियर होती हैं जब आपका माइक्रोस्कोप सही हो ठीक है अच्छा सबसे ज्यादा जरूरी है इसको फिक्स करना है इसमें इसको कितनी सावधानी से फिक्स किया जाए ये चीजें थोड़ा देखनी पड़ेंगी अब जैसे इसमें ज्यादा सेफ्रिन है ना इसको हम हटा देंगे ज्यादा सेफ्रिन को हम थोड़ा टेढ़ा कर देंगे चलो ऐसे ही कर देते हैं ऐसे ही हट जाएगी ये देखो फिक्स हो गई ना वहाँ से हट नहीं रही सेफ्रिन डालने से एक जगह पे फिक्स हो जाती है ठीक है अब हम लेते हैं अब इसमें ग्लिसरीन डालनी पड़ेगी तब ये चिपकेगा पर ग्लिसरीन अभी हमारे पास है नहीं इसके पास है ग्लिसरीन किसके पास है कोई नहीं क्या ग्लिसरीन ये दिमाग खराब है तेरा लेके तो आई देखो ये जो कवर स्लिप है इसमें हम इसको इतना आसानी से रखेंगे ताकि इसमें बबल ना पड़े सबसे दिक्कत इसी में होती है अगर बबल पड़ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है इसमें इसीलिए बबल नहीं होना चाहिए बबल आगे तो फिर ये दिखेगा आपकी इसी तरह की स्लाइड हर चीज की तैयार होती है ये देखो जैसे ये बराबर होना ठीक है चलो भाई ठीक है इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें पतले पतले स्टिग्मा दिखाई देती है और इसमें पोलन ग्रेन दिखाई देंगे जो आपके स्टिग्मा पे चिपके हुए रहते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन कहाँ पे जाता है स्टिग्मा पे जाता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है परागण की ठीक है नॉर्मली ये नहीं दिखता अगर हम इसको परागण यहाँ पे तो ये दिख रहा है पीला पीला अब ये तो इसका गुच्छा है पूरा एक भी परागकण थोड़ी ना है ये इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ये यहाँ पे जाके क्या हो जाता है चिपक जाता है फिर आपको पता है कि यहाँ से ये पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाता है ओवरी या अंडाशय ठीक है
इसका परीक्षण करने के लिए इसमें आपको पोलन ग्रेन है कि नहीं, हम इस तरह से करते हैं। इसको पहले निकाल लेंगे यहाँ से, इसको स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड में क्या डालेंगे, सेफ्रिन डालेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पे। फिर जो एक्स्ट्रा सेफ्रिन रहती है उसको हम निकाल देंगे। फिर इसमें एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप क्या डाली जाती है, ग्लिसरीन, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे माउंट हो जाए। ठीक है, ग्लिसरीन डालने के बाद इसमें कवर इसलिए बहुत सावधानी से रखते हैं, अगर इसमें बबल पड़ गए तो ये फिर जो आपके स्लाइड है वो बेकार हो जाती है। अगर आप स्लाइड तैयार करते हो तो इसमें मेन यही ध्यान रखना है कि इसमें बबल्स नहीं पड़ने चाहिए। फिर आपकी स्लाइड तैयार हो जाएगी, इसके बाद इसको अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपका ये वर्षिकाग्र है इसमें क्या रहते हैं, क्या जाते हैं, और जिसके थ्रू इसमें क्या होता है, परागण। ठीक है, चलो धन्यवाद।